हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन में क्या है वो चीज़ देखिए और समझिए, फिर इसको सॉल्यूशन हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन में? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/3। हमें -2/5 और 1/3 के बीच के रैशनल नंबर्स पता करने हैं, वो कौन से हैं। कितने? कई सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट। हमें केवल 5 बताने हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले काम जो हमें करना होगा वो डेनोमिनेटर बराबर करना होगा। तो वो कैसे होगा, कैसे इसको सोल्व करेंगे, कौन कौन से नंबर्स लिखेंगे, वो हम आगे समझते हैं। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। नंबर्स है हमारे पास -2/5 -1/3। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। अब 15 नीचे बनाने के लिए हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया ऊपर भी करेंगे, इसी तरीके से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनाने के लिए और ऊपर भी करेंगे। हमें मिला -6/15 और यहाँ मिला 5/15। हमें बताने थे सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स, तो इसमें कई सारे रैशनल नंबर्स बीच में आ रहे हैं, हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -6/15 एंड 5/15 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स हम लिखेंगे -6 5 से लेफ्ट साइड में, -6 लेफ्ट साइड में आता है ना, छोटा नंबर, ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। तो जब हमें इनके बीच के लिखने हैं तो इससे पहले के लिखेंगे और -6 के बाद के, -6 के बाद नंबर लाइन पे इस तरफ बढ़ते हैं हम, और 5 से कम लिखने हैं तो वो बीच में इस तरफ, ठीक है। तो वो कौन कौन से आ जाएंगे, इससे बड़ा नंबर -5/15 नंबर लाइन पे, -4/15 दो नेगेटिव नंबर लिख दिए। अब एक पॉजिटिव नंबर लिखना चाहे तो आप 5 से लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, इससे कम और इससे से ज़्यादा। 5 से कम होता है 4/15 और 3/15 एंड 3 के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में 2/15, ठीक है। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन हो गई, ये -6/15 है और इस तरफ -5/15 होगा। ये तो समझाने के लिए है, बनाने नहीं आपको, -3/15, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये 2/15 है, 5/15 है, तो इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे 4/15, 3/15 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और फिर देर सवेर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 10। बाय।